اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ज़ुलाम शैतरम बसमल्हन अल्हदिल्लि वसलात अलह ममिन कराम आज हम आपकी ख़दमत में इस्मा मुबारक के इन आखिरी सतों में एक अहम तरीन इबादत की तरफ आपकी तोज्जो मबज़ूल करना चाह रहे हैं और वो है ज़क़़त फ़ित मासूम फ़रमाते हैं कि रोज़ा इंसान के बदन की ज़क़़़़़त है और जो ज़क़़़़ फ़रा है वो इंसान के माल की ज़क़़़़़त है और रवायात में भी है कि इंसान के, के रोज़ों की कबूलीत का दार मदार इंसान के इस चांद रात में दिए गए ज़कवात फ़तरा पर मुनसर है फ़रा क्या है कितनी मकदार में है तो आप यूँ देख लीजिए कि तीन किलो आ, आटा या तीन किलो चावल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपकी सहूलत के लिए इस तरह आप देख लीजिए कि आपने आटा जो इस्तेमाल किया है वो किस तरह किलो का ख़रीद कर किया है जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी आटे की तीन किलो की कीमत आप किसी मुस्तक को दे सकते हैं या चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहरे चावल के रेट्स रेट भी डिफरेंट हैं मुख्तलफ़ हैं तो जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं उसी चावल की कीमत तीन किलो की कीमत आप किसी मुस्तक तक पहुँचा सकते हैं ज़क़ात फ़ित किसे देना है वो मस्किन जो साल भर के अखराजात नहीं रखता साल भर के अपने अखराज नहीं रखता जिसकी रोज़ी उसके दिन भर की ज़रूरत को पूरा नहीं करती एक माह की मशक्क़त उसके एक माह की रोज़ी को मुकम्मल नहीं करती वो साल भर मोहताज रहता है तो वही मुस्क है और इन मस्तक में सबसे ज़्यादा आपके कराबदार हैं जो आप है, आपके रिश्तेदार हैं आपके अजीज़ हैं आप उन्हें फरारा दीजिए और फर के लिए ज़रूरी है के जिसे आप फितरा दे रहे हैं वो इसना अशरी भी हो और एलान गुनाह भी न करता हो मासीत भी न करता हो और नमाज को तर्क भी न करता हो इन चीज़ों को मदन नज़र रखते हुए आज ही फितरा उन तक दे दीजिए आप किसी भी मुस्तक को ज़क़ात फितरा देना चाह रहे हैं तो आप कर्ज़ के नियात से उन्हें आज ही दे दें ताकि आपका ये दिया हुआ कर्ज वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके अपने बच्चों के लिए वो कुछ ख़रीदना चाहता है ईद की खुशियों में आप उन्हें शामिल कीजिए अपना ज़क़ुआत फ़रा जो है आज उसे कर्ज़ की नियत से दे दीजिए जब चांद रात आएगी चांद आ, शिवाल का चांद तलु करे तो आपने यही जो कर्ज़ दिया था उसे आपने आ, नियत कर लेनी है कि वही जो मैंने कर्ज़ दिया था वही फ़ितरे में बदल जाएगा तो आपने आज कर्ज़ दे देना है उन्हें मस्तकिन को और नियत आपने चांद रात को कर लेनी है मुहम तरीन चीज़ ये है कि जो शब ईद हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं उस मेहमान का फितरा आ, कौन देगा कौन हमारा मेहमान होगा तो अमूमन हमारे यहाँ ये एक बात मशहूर है शहरत है कि जो अवतार करेगा उस अवतार करने वाले का फितरा अवतार करवाने वाले पर होगा यानी किसी ने अगर किसी को अवतार की दावत दी है और उसके घर में अवतार की है तो अमूमी तर हम ये समझते हैं कि आज जहाँ अवतार की है उस घर में हमारा फितरा उन्हीं अहल खाना पर होगा ऐसा नहीं है आ, मेहमान वो है कि जो उस रात खाना भी वहीं खाए और रात बसर करे वो मेहमान है मैं आपके पास आया आप मेरे पास आए अवतार की अवतार करने के बाद आप चले गए सिर्फ अफतार के लिए आए थे तो आप फितरा अपना आप अदा करें ज़क़ात फितरा आप अदा करेंगे और साहिब खाना पर आपकी ज़क़़त ज़क़ात फितरा जो वाजिब नहीं है आपने अदा करनी है अलबत् जो मेहमान है और वो चाहते हैं कि हम अपना फितरा ख़ुद अदा करें तो आप मालिक को बताएं, अपने मेज़बान को बताएं कि हम वो फितरा आपकी तरफ़ से हम ख़ुद अपना आफरा दे रहे हैं जब इस तरह के कसर करेंगे तो वो साहिब खाना जो है वो अपने वाजिब से बरिया ज़िम्मा हो जाएगा और आपका फितरा आप ख़ुद अदा कर देंगे और फरा हर घर के फर्द पर हर सहबे जो खुशहाल है उस पर वाजिब है जो फ़कीर नहीं है उस पर फितरा ज़रूरी है हती कि चांद रात में पैदा होने वाले बच्चे का फितरा भी अहल खाना के सरबराह पर वाजिब है हाँ अलबत जो बाज सवाल पूछे गए कि जो बच्चा माँ के शक्क में है तो माँ के शक्क में रहने वाले बच्चे का फितरा नहीं है जो बच्चा चांद रात में पैदा होता है उसका फितरा साहब खाना पर है उसके सरबराह पर है या जो मेहमान आ गया है और उसने रात बसर करनी है खाना वहीं खाना है तो उसका फितरा साहिब खाना पर है दुआ है परवरदिगार आपके सहर वफतार की इबादात को माह सयाम में की गई इबादत को अपनी बारगा में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह हमें तोफ़ीक दे कि जहाँ हमने बदन की जकवात पूरा महीना निकाली है वहाँ हम अपने माल की जकवात जकवात फ़तर के ज़रिए अदा करें ताकि वो मुस्तक वो मस्किन अपनी खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सके